आज के इस वीडियो में ऑप्शन मार्केट से रिलेटेड एक हेजिंग का तरीका हम सीखने वाले हैं, जिसका यूज़ हम निफ्टी, बैंक निफ्टी या स्टॉक के ऑप्शन में करते हैं। अगर हमको इस मार्केट में एक बड़ी गिरावट की संभावना लगती है, चाहे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में या स्टॉक में, और हम एक काफ़ी बड़ा प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, तो ये अपने आप में काफ़ी अच्छा हेजिंग का तरीका होता है। अब जब भी हम ऑप्शन मार्केट में एक बड़े प्रॉफिट के लिए जाते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शंस हम खरीदना प्रेफर करते हैं कि भाई कॉल और पुट ऑप्शन हम खरीद लेते हैं, तो यहाँ एक अनलिमिटेड रिवॉर्ड मिल सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमको एक डर लगता है, हमारा प्रेडिक्शन फेल हो गया, हमको बड़ी गिरावट की संभावना लग रही है, लेकिन उल्टा बड़ी तेज़ी आ गई, तो यहाँ पर जो प्रीमियम हमने पे करा है ऑप्शन को ख़रीदने में, वो पूरा हमारा लॉस हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर इस कॉन्सेप्ट का हम यूज़ करते हैं, हमारा प्रेडिक्शन है कि एक बड़ी गिरावट आएगी लेकिन अगले दिन एक बड़ी तेज़ी आ जाती है, तो कहीं ना कहीं इस हेजिंग की वजह से जो एक प्रीमियम लॉस हमको हो सकता है, उससे हम बच सकते हैं। तो इस हेजिंग को बोर्ड पे सिस्टमेटिक तरीके से अब हम समझना शुरू करते हैं। अब इस वीडियो को मैं शुरू करूं, उससे पहले इस चैनल पे हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे ऑलरेडी वीडियो मैंने अपलोड कर रखे हैं, और सुपर हिट हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे पेड वीडियो भी क्रिएट करे हैं, वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक से रिलेटेड हैं। सारे वीडियो काफ़ी नॉमिनल चार्जेस पे हैं और काफ़ी नॉलेजेबल हैं। उसकी डिटेल जानकारी इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, अगर आप उन वीडियो को लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाके डिटेल आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को हम शुरू करते हैं। जिस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन की हम बात कर रहे हैं, ऑलरेडी बोर्ड पे मैंने मेंशन कर रखा है, पुट रेशियो बैक स्प्रेड। यहाँ पर पुट रेशियो बैक स्प्रेड इस हेजिंग से रिलेटेड कॉम्बिनेशन का नाम होता है। अब जैसे मैंने कहा, निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक, हम किसी में भी इस कॉम्बिनेशन का यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं निफ्टी का एग्जांपल लेके आपको समझाऊंगा और ईजियर नंबर लेके आपको यहाँ पर समझाऊंगा। नंबर भले ही यहाँ ईजियर रहेंगे, हमको कॉन्सेप्ट से मतलब रखना है, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में हर दिन प्रीमियम अलग अलग होता है। तो यहाँ अगर एक ही नंबर की आज के डेट में ये ऑप्शन का नंबर चल रहा है, उसको लेके हम समझें, उसके बजाय अगर हम कॉन्सेप्ट ही सीख गए, तो फिर यहाँ पर एक्स वाई जेड नंबर कुछ भी हो, हमको काम करने में परेशानी नहीं जाने वाली। तो चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं। पुट रेशियो बैक स्प्रेड, जैसे मैंने कहा कि हमको एक बड़ी गिरावट की संभावना लग रही है कि निफ्टी मान लें यहाँ पर ट्रेड कर रहा है 17,000 के लेवल पर, और किसी भी वजह से एक्स वाई जेड किसी भी वजह से मुझे एक बड़ी गिरावट की संभावना लग रही है, और यहाँ मैं पुट ऑप्शन खरीदना चाहता हूँ, लेकिन जैसे मुझे डर है कि कभी मार्केट ऊपर की तरफ भाग गया, तो यहाँ मुझे जो प्रीमियम पे करा है वो लॉस हो जाएगा। तो अब हम यहाँ पर क्या कॉम्बिनेशन क्रिएट करते हैं, निफ्टी 17,000 पर है, मेरा प्रिडिक्शन है बड़ी गिरावट। तो अब यहाँ पर मैंने देखा कि भाई 17,000 स्ट्राइक प्राइस का पुट ऑप्शन, मान ले उसका प्राइस 200 चल रहा था, उसको 200 पर यहाँ पर मैंने सेल कर दिया, उसका एक लॉट यहाँ पर सेल कर दिया। अब इसको सेल करने से जो नेट प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ, अब यहाँ सेल करने से 200 पॉइंट का प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ, उस 200 पॉइंट के प्रीमियम से मैं दो लॉट पुट ऑप्शन बाय करूँगा। अब यहाँ मान लें 16,800 स्ट्राइक प्राइस का पुट, जिसका रेट यहाँ पर 100 चल रहा था, उसको बाय करा, लेकिन यहाँ पर उसके मैंने कितने लॉट बाय करे, दो लॉट यहाँ पर बाय करे। नंबर ईजियर लिए हैं समझाने के लिए, अगर आप कॉन्सेप्ट सीख गए, फिर नंबर कुछ भी हो, कुछ परेशानी नहीं होगी। यहाँ पर इस तरीके का जो कॉम्बिनेशन क्रिएट हुआ है, ये अपने आप में पुट रेशो बैक स्प्रेड कॉम्बिनेशन कहलाता है। अब इस कॉम्बिनेशन से रिलेटेड कि क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इस कॉम्बिनेशन में, सबसे पहला पॉइंट होता है कि भाई मैक्सिमम रिवॉर्ड हमको कितना मिल सकता है।
तो मैक्सिमम रिवॉर्ड जो होता है यहाँ पर वो हमको अनलिमिटेड मिल सकता है, क्योंकि हमने दो लॉट पुट ऑप्शन को बाय करा है और एक लॉट यहाँ पर पुट ऑप्शन को सेल करा है। तो अगर मार्केट में बड़ी गिरावट आती है तो यहाँ पर अनलिमिटेड प्रॉफिट हमको हो सकता है। अगर ऑप्शन का आपका बेसिक क्लियर है तो ये समझने में आपको कोई परेशानी नहीं जाने वाली। यहाँ पर रिवॉर्ड तो हो गया हमारा अनलिमिटेड, रिवॉर्ड हमारा इस कॉम्बिनेशन में अनलिमिटेड हो सकता है। अब यहाँ पर अगला पॉइंट निकल के आता है कि भाई इस कॉम्बिनेशन में मैक्सिमम हमारी रिस्क कितनी हो सकती है। तो मैक्सिमम रिस्क कैलकुलेट करने का सिंपल तरीका होता है कि जो स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस है, स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस कितना है 200 पॉइंट का। स्प्रेड के बीच का डिस्टेंस 200 का है क्योंकि 17,000 के पुट को हमने यहाँ सेल करा है, 16,800 के पुट को बाय करा है, दोनों के बीच में 200 पॉइंट का डिफरेंस है। और यहाँ पर जो स्प्रेड के बीच का डिफरेंस होता है उसमें नेट प्रीमियम जो हमने रिसीव करा उसको माइनस कर देते हैं तो जो फिगर निकल के आएगा वो होगी यहाँ पर हमारी मैक्सिमम रिस्क। तो अब नेट प्रीमियम हमने क्या रिसीव करा है, 200 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव करा यहाँ पर ऑप्शन को राइट करके, लेकिन यहाँ ऑप्शन खरीद के 200 पॉइंट का प्रीमियम हमको पे करना पड़ा, यानी 200 का हमको मिला खरीदने से 200 का हमको देना पड़ा, यानी नेट प्रीमियम क्या रिसीव हुआ हमारा, 0 रिसीव हुआ नेट प्रीमियम। अब यहाँ पर रेट कम ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेगा कि डिफरेंस जो भी है स्प्रेड के बीच में उसमें से जो भी नेट प्रीमियम रिसीव हुआ उसको माइनस कर देंगे वो होगी हमारी यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क। तो यहाँ पर मैक्सिमम रिस्क क्या निकल के आई, 200 पॉइंट की हमारी मैक्सिमम रिस्क हुई। यहाँ पर अगला इम्पॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि भाई यहाँ पर हमारे ब्रेक इवन पॉइंट कौन सा, कौन से लेवल के ऊपर अगर यहाँ पर एक्सपायरी होगी तो मुझे प्रॉफिट होगा यहाँ पर, और उसके ऊपर जितना जाएगी अनलिमिटेड प्रॉफिट होगा, कौन सा वो लेवल है जिसके नीचे एक्सपायरी होगी तो यहाँ पर मुझे नुकसान लगेगा। तो अब यहाँ पर मेरा ब्रेक इवन पॉइंट किस तरीके से मैं निकालूँ, तो यहाँ ब्रेक इवन पॉइंट निकालने का सिंपल तरीका होता है जिस भी स्ट्राइक प्राइस के ऑप्शन पुट ऑप्शन को हमने यहाँ पर बाय करा है, 16,800 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को हमने बाय करा है उसमें हम मैक्सिमम रिस्क को माइनस कर देते हैं। 200 पॉइंट की हमारी मैक्सिमम रिस्क है तो क्या फिगर निकल के आया, 16,600 ये हुआ हमारा ब्रेक इवन पॉइंट। इसके नीचे अगर एक्सपायरी होती है तो हम प्रॉफिट में रहेंगे, इसके नीचे जितना जाती जाएगी उतना हमारा यहाँ पर प्रॉफिट बढ़ता जाएगा, और अगर यहाँ पर एक्सपायरी होती है 17,000 से 16,600 के बीच में तो मुझे अलग अलग लेवल पे अलग अलग लॉस लग सकता है, और यहाँ अगर 17,000 के ऊपर भाग जाती है ये तो यहाँ पर मुझे 0 प्रॉफिट 0 लॉस रहेगा। तो यहाँ पर कई बार ये होता है कि हमें एक बड़े मूवमेंट की संभावना लगती है किसी भी वजह से कि कल बहुत बड़ी गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डर लगता है कि मैं कॉल ऑप्शन खरीद लूँ या पुट ऑप्शन खरीद लूँ और जो मेरा प्रिडिक्शन है कि बड़ी गैप अप ओपनिंग हो जाएगी लेकिन बड़ी गैप डाउन ओपनिंग हो गई तो मुझे लॉस लग गया, या मेरा प्रिडिक्शन है बड़ी गैप डाउन ओपनिंग होगी मैं पुट खरीद लूँ और बड़ी गैप अप हो गई तो मुझे लॉस लग गया। अब उसकी जगह अगर इस तरीके का हम कॉम्बिनेशन बनाते हैं कि भाई मेरी उम्मीद है बड़ी गैप डाउन होगी बड़ी गैप अप ओपनिंग हो गई तो बस ठीक है, 17,000 के ऊपर 17,500 खुल गई निफ्टी तो मैं तो पूरी तरीके से सुरक्षित हूँ। तो यहाँ पर काफ़ी सरल तरीके से मैंने पुट रेशो बैक स्प्रेड हेजिंग कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमने सीखा है। आज के वीडियो में इतना ही, उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया हो, वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक करना ना भूलें।
अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है और हेजिंग से ट्रेड करने में आपका इंटरेस्ट है तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, क्योंकि आने वाले समय में हेजिंग से रिलेटेड काफ़ी सारे और वीडियो मैं अपलोड करने वाला हूँ। थैंक यू।